नमस्कार, मैं एकता गुप्ता और आप देख रहे हंगामा टाइम। उत्तर प्रदेश में भू माफियाओं से परेशान महिला ने अपने आप को जमीन में गाड़ दिया। ये उत्तर प्रदेश के आगरा से आने वाली खबर है, जहां भू माफियाओं से महिला इतनी प्रताड़ित हो गई, इतनी परेशान हो गई कि वो पुलिस के दर पर जाके गुहार लगाती थी, भीख मांगती थी कि उसके साथ उसको न्याय मिलेगा, उसके साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ कोई आवाज उठाए। लेकिन वहां से भी निराश हताश लौट के आई, अपने खेती में, अपने ही जमीन पर खेती नहीं कर पा रही थी। हताश निराश महिला ने अपने ही खेती में अपने आप को गाड़ दिया। आइए आपको दिखाने जा रहे, बताने जा रहे उत्तर प्रदेश के आगरा से आने वाले इस वायरल वीडियो की कहानी, जहां योगी सरकार का कहना था कि भू माफियाओं से साफ कर दिया उत्तर प्रदेश, अब उत्तर प्रदेश में अपराध नहीं है। लेकिन अगर आप इस महिला की बातें सुनेंगे तो आपको लगेगा कि कितनी हकीकत है, कितना फलसफा बातों में। आई नजर डाल दो उत्तर प्रदेश से आने वाली आगरा की इस महिला की कहानी पर, एक नजर। शासन प्रशासन कोई मदद नहीं करता। मैं 4 साल से परेशान हूँ, पीड़ता हूँ। मेरी खेत में जब मैं काम करती हूँ, तभी पुलिस आ जाती है सिकंदरा थाने की। कर्नल भू माफिया है अश्विनी कुमार यादव, आनंद कुमार यादव, शांत कुमार यादव, सुरेंद्र, गजेंद्र, प्रवीण, ये सारे भू माफिया मेरी जमीन को कब्जाना चाहते हैं। और तहसील में से लेखपाल टीकम सिंह कानून को, जितेंद्र लेखपाल, सवरे का लाके इन भूमाफियों को मेरी जमीन दबा गए। मैंने नींद खुदवाई, पहले खुदवा गए, फिर दोबारा में दबा गए। भूमाफियों के कहने से कोई मेरी मदद नहीं करता। मैं जब 4 साल से चक्कर काट काट के अधिकारियों के परेशान आ गई हूँ, बहुत तंग आ गई हूँ। अब मुझे कोई सहारा नहीं मिला। अब मैं इसी नींद में अपनी समाधि लेके आत्महत्या करूँगी। अपने बच्चे भी मेरे समाधि ले जाएंगे। अब मैं ले रही हूँ इन्हीं के खेतों में, गुंडों भूमाफियों के खेतों में। सरकारी चक्रोड निकले और फिर भी चक्रोड निकले और भी चक्रोड दब रहे। खाल निकालने वाली जगह गड्ढे भी इन्हीं के खेत में। सबरे खेतों को कब्जा लेते हैं, सरकारी खेत इन्हीं कब्जा रखे हैं। ये प्रेमलता जी हैं, जिनका जाटा संघ 1000 की काश्तकार हैं। ये सूचना मिली कि इन्होंने यहाँ पर अपने खेत में समाधि ले ली है। हम मौके पर स्नान करने के लिए आए, तो जो भी है पैमाइश करके हमें मौके पर निस्तारण कर दिया। वैसा बहुत गंभीर विवाद नहीं है, हल्का फुल्का विवाद था जो पैमाइश करके निस्तारण किया जा चुका है। पीड़िता तो कह रहे 4 साल से भटक रही थी कहीं। नहीं, 4 एक्चुअली में जो विपक्ष हैं, जो श्री अश्विनी कुमार जी, कर्नल साहब, संत कुमार के नाम से हथबराई का मुकदमा चल रहा है। तो जब दौरान मुकदमा है तो उनको रोका गया था, दोनों पक्ष यथास्थित मौके पर बनाए रखें। लेकिन प्रेमलता जी द्वारा एक नींव खोद दी कर खोद ली गई थी, तो उन्होंने विरोध किया। तो हम लोग ने कल उसको क्या कहते हैं बोला कि आप भर लीजिए, तो फिर भर गई नहीं। तो आज वही उसी बात का एक विवाद हो गया था, तो आज हमने उसका मौके पर निस्तारण कर दिया। अभी बाउंड्री करा सकती है बाउंड्री, वो मैं बाद में पूरी पैमाइश के बाद ही निर्धारित करूंगा कि इसमें क्या कराया जा सकता है या नहीं। फिलहाल पैमाइश करके चिन्हांकन करा दिया गया।